लॉकडाउन के दौरान वन्य क्षेत्र से रेस्क्यू कर लाए गए घायल तेंदुए का वर्तमान में इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में उपचार किया जा रहा है। बीते दिनों तेंदुए को सीटी स्कैन जांच के लिए भोपाल ले जाया गया था, जहां जांच के दौरान तेंदुए के सिर पर अंदर छर्रे लगे हुए पाए गए थे, जिसके अनुसार तेंदुए को शिकार करने की कोशिश की गई थी। सिर में छर्रे लगे होने के कारण वर्तमान में तेंदुए को दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए लगातार उपचार किया जा रहा है। तेंदुए को आंखों से नहीं दिखाई देने के कारण लगातार अलग अलग डॉक्टरों द्वारा उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने की कवायद की जा रही है। इसी को लेकर आज इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में वाइल्ड लाइफ एसओ के दो डॉक्टर की टीम पहुंची और घायल तेंदुए की जांच के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किस कारण से इसे आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं आने वाले समय में किस तरह से इसकी आंखों की रोशनी वापस लौटाई जा सकती है, इस पूरी प्रक्रिया की कवायद आज की गई। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के अनुसार घायल तेंदुए को वर्तमान में दोनों ही आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तेंदुए की आंखों की रोशनी वापस लौटाने के लिए लगातार इलाज किया जा रहा है। इसी को लेकर बेंगलुरु से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने तेंदुए की जांच की है और अब आगे की मेडिकल स्थिति के अनुसार तेंदुए का उपचार किया जाएगा। सर, एक टीम आई थी, किस प्रकार से उन्होंने जांच की, कहाँ से टीम आई थी और किस प्रकार का ट्रीटमेंट हुआ, क्या देखा, क्या पाया गया? ये वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन से दो डॉक्टर्स की टीम आई थी और काफ़ी एक्सपीरियंस इन लोगों ने, वाइल्ड लाइफ के फील्ड में काफ़ी पूरे कंट्री में ये काम करते हैं, या फिर रेस्क्यू वगैरह या इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं और उसको एग्जामिन करके जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट देता वो देते हैं। तो उनको ये लोग आज आए थे लेपर्ड को लेकर, लेपर्ड जिसको कि अभी हम लोगों ने पूरा रेंज से रेस्क्यू किया था और अभी वो बुलेट्स के कारण, छर्रों के कारण जो उसके ब्रेन में लगे हैं, जो इस तरह की सिटी स्कैन और MRI में पाया गया था, उसके कारण उसकी जो डैमेज हुआ है, जो ऑप्टिक नर्व में डैमेज है, जिससे उसकी दोनों आई साइड चली गई और वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया। तो उसके हम लोग हर एंगल से प्रयास कर रहे हैं, हमने ह्यूमन डॉक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया, उनको भी दिखाया, उनसे भी हमने ओपिनियन ली, साथ ही साथ हमारे वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन उनको भी लिया, वेटरनरी कॉलेज के प्रोफेसर उनको भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया इसमें। हम खुद भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि जो राइट आई जो कम्प्लीटली चली जा चुकी है, जो कम्प्लीटली ओपेक हो चुकी है, जो लेफ्ट साइड जो बची है उसमें क्या इसको बचता है, उसमें क्या उसमें इम्प्रूवमेंट के क्या चांसेस हैं, ये सब चीज़ों पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। फिलहाल जो भी कंक्लूजन सामने निकल के आए थे टीमों के एग्जामिनेशन के बाद, वो यही है कि जो लेफ्ट साइड जो इसमें कि आई साइड ओपन है लेकिन विज़न नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी ऑप्टिक नर्व को जैसे कि MRI में पता चला है कि डैमेज हुई है उसमें छर्रे लगने के कारण, और ऑप्टिक नर्व एक बार डैमेज हो जाती है तो फिर उसको वापस रिकवर होना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिलहाल हम यही सब सारी चीज़ों को देख रहे थे और ये कहना है कि 99% तो उसकी आँखें दोनों जा चुकी है, फिर भी अगर 1% उम्मीद बची है तो हम लोग प्रयासरत हैं शायद उसकी रोशनी वापस आ जाए। सर, आपका नाम बताएं। डॉक्टर उत्तम यादव, इंचार्ज इंदौर से। बताया जा रहा है कि शिकार के दौरान बंदूक से निकले छर्रे तेंदुए के सिर में लग गए थे, जिससे उसकी दोनों आंखें चली गई। वहीं बेंगलुरु डॉक्टरों के मुताबिक अब दोबारा रोशनी लौटना संभव नहीं है। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।